से खुद को ढूंढ लेंगे, सपनों को खुल के जिएंगे, लोग जो देखे कमी उसको जमी कर मिल के परचम हम फहराएंगे, नई दुनिया बनाएंगे। चल सके चल चल सके चल सके चल चल सके। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं अर्चना, आप सभी का पॉडकास्ट सीरीज जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी के 12वें एपिसोड में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इस सीरीज में हमारी कोशिश रही है कि हम आपके लिए नारीवाद एवं अधिकार के मुद्दों को केंद्र में रखकर नेतृत्व बदलाव एवं संघर्ष की कहानियां लेकर आ सके। हम उन मुद्दों पर भी बात करें जिन पर बात करना जरूरी है, जो अक्सर हमारी गिनती और नीति में पीछे रह जाते हैं। आज के 12वें एपिसोड में हम बात करेंगे कि इब्तिदा संगठन बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। आप सोच रहे होंगे कि ये इब्तिदा क्या है। इब्तिदा मतलब साथी, दोस्त, बहनापा। इब्तिदा नारीवादी लीडर महिलाओं का एक ऐसा संगठन है जो समावेशी नारीवादी विचारधारा को समाज में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। इस नेटवर्क से जुड़े साथी समाज में समानता लाने की दिशा में अपने अपने इलाके में काम कर रहे हैं। ये साथी जेंडर आधारित हिंसा, यौनिकता आधारित हिंसा, समावेशी विचारधारा के साथ एकजुट हुए हैं। इब्तिदा संगठन में अभी यूपी, बिहार और झारखंड के साथी जुड़े हैं, जिनकी संख्या 25 से 30 होगी। ये सभी लोग एक विचारधारा और एक सोच के लीडर साथी हैं, जिनकी कोशिश है कि समाज, समुदाय और सरकार के साथ कैसे समावेशी नारीवादी विचारधारा स्थापित की जाए। इब्तिदा नेटवर्क का सिद्धांत है कि एक ऐसा स्पेस क्रिएट किया जाए जहां समावेशी नारीवादी विचारधारा के साथी एकजुट होकर अपनी बात बड़े सहज तरीके से रख सके। इब्तिदा का मजबूत मूल्य है कि इससे जुड़े साथी एकजुट होकर समावेशी नारीवादी विचारधारा का समर्थन करेंगे। इब्तिदा की यात्रा को और गहराई से समझने के लिए हमारी सहयोगी साथी नीतू अभी क्रिया की प्रोजेक्ट डायरेक्टर शालिनी सिंह से बात करेंगी और ये समझने की कोशिश करेंगी कि इब्तिदा नेटवर्क खड़े करने की क्या सोच रही है, इस दौरान क्या मुश्किलें और चुनौतियां आईं, अभी ये नेटवर्क किन मुद्दों पर प्रमुखता से काम कर रहा है। तो आइए सुनते हैं शालिनी जी को। तो मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी के 12वें एपिसोड में। थैंक यू नीतू मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो इब्तिदा है इसका मतलब क्या है। इब्तिदा का मतलब जो हमने समझा है एक नई शुरुआत है, ठीक, और ये उर्दू का शब्द है और हमने ये नाम इसलिए चुना था कि जो ये प्रोग्राम है हमारा उसमें बहुत कुछ ऐसा था जो हमें लगा कि नई शुरुआत है, तो इसलिए इब्तिदा का नाम रखा गया और इब्तिदा का ये मतलब सोचकर। अगर हम आपसे समझ पाए, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे श्रोता आपको सुन रहे होंगे, तो इब्तिदा नेटवर्क की कल्पना कैसे हुई, क्यों इसका नाम इब्तिदा रखा गया, अगर आप थोड़ा सा बता पाए। जब क्रिया की शुरुआत हुई थी 2002 के आसपास, जब हम बहुत डीपली मतलब बिहार, यूपी और झारखंड में हिंदी भाषी राज्यों में काम करना शुरू किए क्रिया की तरफ से, कि बहुत सारी जो ऐसी चुनौतियां थी जिनको हमने अभी तक एड्रेस नहीं किया था, उसमें एक तो सबसे बड़ी चुनौती थी भाषा की, दूसरा हमें लगा था कि संसाधनों का बहुत सीमित पहुंच है और बेसिक उनको संसाधन यही चाहिए थे कि भाई हम अपने जगह से भी बाहर निकल पाएं और दूसरी अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर काम शुरुआत कर पाएं, हम अपनी चुनौतियां कैसे दूर कर सकते हैं, और तीसरा हमें लगा था कि नारीवादी नजरिए से काम करने का जो इशू था वो बहुत बड़ा था और बहुत बड़े स्तर पे निकल के आया। जब हिंसा पर हम काम कर रहे हैं तो हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हिंसा क्यों हो रही है और उसके लिए क्या कोई एक कारण जिम्मेदार है या बहुत सारे कारण हैं जो जुड़े हुए हैं जिनकी वजह से वो हिंसा हो रही है और लगातार कंटिन्यू कर रही है। क्षमता वृद्धि के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उसका एक हम प्रोग्राम डिजाइन कर सकें और उनके साथ फिर एक बार नहीं थोड़ा लंबे तौर पर हम जुड़े उनके साथ,
कि ये सारी संस्थाएं मिलजुल कर एक ही नजरिए से महिला हिंसा के मुद्दे पर, प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दे पर काम कर पाएंगी। और तब इसके तहत हमने 8-10 संस्थाओं को जोड़ा, जिसमें यूपी की संस्थाएं थी, झारखंड की संस्थाएं थी, कुछ बिहार की संस्थाएं थी। और उनके साथ जब हम लगातार प्रोग्राम करने लगे, तब बात आई कि हमें अपने समूह का एक नाम रखना चाहिए। और तब उन्होंने ही अपने समूह का ये नाम रखा था इब्तिदा। और इस समूह में बहुत इंटरेस्टिंग था कि बहुत तरह की संस्थाएं थी, तो जब एक साथ अलग अलग मुद्दों पर काम करने वाली महिलाएं, पर जिनका लक्ष्य है महिलाओं की क्षमता वृद्धि और महिलाओं के जीवन में बदलाव लाना, तो बहुत इंटरेस्टिंग समूह बना था और बहुत इंटरेस्टिंग और यूजफुल चर्चा होती थी, एक दूसरे के साथ अनुभव का आदान प्रदान होता था। तो उन्होंने ही अपने समूह का नाम इब्तिदा रखा और ऐसे फिर इब्तिदा की शुरुआत हुई। आपने काफी इंटरेस्टिंग बताया कि इब्तिदा में कितनी डाइवर्सिटी है, जो संस्थाएं इब्तिदा से जुड़ी हुई हैं, जो अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग समुदाय पे काम कर रही हैं। अगर आपसे हम इसी में आगे समझ पाएं कि इब्तिदा अभी किन मुद्दों पर प्रमुखता से काम कर रही है। जो नेटवर्क की संस्था है इब्तिदा की, वो जब महिला मुद्दे पर काम कर रही है तो वो यौनिकता के मुद्दे पर भी काम करती है। जेंडर आधारित हिंसा के मुद्दे को लेकर काफी गहनता से उन्होंने अपने काम में शामिल किया है, यंग लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ। तो ये 3-4 मुद्दे हैं जो बहुत प्रमुखता से उनके काम में शामिल है। और इन मुद्दों के अंतर्गत फिर और मुद्दे आते हैं, क्योंकि जब हम नारीवादी नजरिया की बात करते हैं तो हाशिए पर खड़े समुदाय की बात आ जाती है। फिर हम महिलाएं जो हमारे दलित समूह से आती हैं, मुस्लिम समुदाय से आती हैं, चाहे वो यौनिकता की दृष्टि से हाशिए पर खड़ी हों, सिंगल वुमेन है, डिसेबिलिटी से जुड़ी वुमेन है, तो वो जो भी जिस वजह से भी हाशिए पर खड़ा है, उन सारी महिलाओं को शामिल करके काम करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इस समूह के सभी संस्थाएं इस पर काम कर रही हैं। अगर हम आपसे ये जान पाए कि क्रिया का इब्तिदा से किस तरह से जुड़ाव है, कैसे जुड़ा हुआ है। क्रिया ने एक्चुअली ये प्रोग्राम शुरू किया था, एक समूह नारीवादी नेतृत्व के नजरिए से ग्रासरूट लेवल पर काम करने वाली संस्थाओं का समूह, ठीक है, जिसका मुख्य नजरिया ये था, मुख्य उद्देश्य ये था कि नारीवादी नजरिए को और नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाए। और जब इसमें संस्थाएं जुड़ती गईं, पहला समूह हुआ, दूसरा समूह हुआ, फिर तीसरा नेटवर्क हुआ, तो हमें लगा कि इसको एक नेटवर्क के रूप में जोड़ने की अब सही समय है और हमें उसको एक नेटवर्क के रूप में बढ़ाना चाहिए, क्योंकि झारखंड में भी, बिहार में भी और यूपी में भी इन संस्थाओं का समूह एक बड़ा समूह बन गया है। तो जब सेम संस्थाएं, सारी संस्थाएं एक नजरिए से काम कर रही हों, तो कैसे हम उन सबको एक साथ जोड़कर इस तरह से रखें कि वो एक नजरिए से एक आंदोलन के रूप में किसी मुद्दे को उठाती हैं और किसी मुद्दे को आगे बढ़ाती हैं अलग तरीके से, अलग अलग अपने काम के तरीके से। तो क्रिया ने इस तरह से कोशिश की है कि भाई वो हर समय उनको गाइड नहीं कर रही है और हर समय हम उनके साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि वो नेटवर्क की संस्थाएं अब इतनी सक्षम है कि अपने आप अपने एजेंडा तैयार कर सकती हैं, ये तैयार कर सकती हैं कि आगे कौन सा मुद्दा है जिस पर हमें बातचीत करना जरूरी है। तो क्रिया जुड़ती है, समय समय पर जुड़ती है, क्षमता वृद्धि के कार्यक्रम में उनके साथ हमेशा जुड़ी रहती है, बट डे टू डे लेवल पर बहुत सारी संस्थाएं हमारी जुड़कर एक साथ अपने एजेंडा वगैरह को लेकर काम कर रही हैं। जब हम इस तरह का संगठन बनाते हैं, कई सारी संस्थाओं को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं या लाते हैं उन्हें, तो किस तरह की चुनौतियां आती हैं इसे बनाने में, इसे खड़ा करने में, क्या मुश्किलें रहती हैं, अगर आप थोड़े अपने अनुभव साझा कर सके। जब कोई एक संस्था शुरू करती है संस्थाओं का समूह और नेटवर्क में जोड़ने का काम, तो सारी और संस्थाएं जो जुड़ी हुई रहती हैं वो उस एक संस्था पर कई बार निर्भर हो जाती हैं। तो वो निर्भरता को खत्म करना सबसे बड़ी चुनौती होती है कि अब हम कोई एक संस्था नहीं है ऐसे जगह पर जिसके पास पावर है कि आपको जोड़े और आपके लिए तय करे, है ना। अब आप, हम सब एक लेवल पे खड़े हैं, हम सब एक नेटवर्क के रूप में है, तो आप सबकी भूमिका बराबर है और सबकी भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जगह बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, जो कि एक समय में नहीं, बहुत लंबा समय में उस तरह से हम चीजें बना पाते हैं और कर पाते हैं। दूसरा कि जब बहुत डाइवर्स संस्थाएं हों, बहुत अलग अलग मुद्दे पर काम करने वाली हों, अलग अलग एक्सपीरियंसेस से हों, इंटरजेनरेशनल, यंग एंड पुराने और नए लोगों का जुड़ा हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा चुनौती होता है कि वो सब फिर एक जगह पर कैसे आए, क्योंकि जिस संस्था ने शुरुआत किया उसके लिए सबको एक जगह लाना उतना मुश्किल नहीं होता है, बट जब वो सारी संस्थाएं एक लेवल पे जुड़कर एक साथ काम करना शुरू करती हैं,
तो ऑब्वियसली वो चुनौतीपूर्ण होता है। बट ट्रिक वही होता है, और हम देख रहे हैं भारत में बहुत सारे आंदोलन सक्सेसफुल हुए हैं, बहुत सारे आंदोलनों में अनेक अलग अलग मुद्दों पर काम करने वाली संस्थाओं ने जुड़कर काम किया है। तो हमारे पास बहुत एग्जाम्पल हैं कि डाइवर्स मुद्दे पर काम करने वाली भी संस्थाएं अगर एक उद्देश्य के लिए जुड़ती हैं तो अपने व्यक्तिगत और संस्थागत उद्देश्यों को अलग रख के वो एक बड़े उद्देश्य के लिए जुड़ सकती हैं और काम कर सकती हैं। तो उसी एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये नेटवर्क भी वैसे ही काम कर पाएगा, और उसने शुरुआत कर दी है। उन चुनौतियों को वो दूर करते हैं, और उन्होंने सारे नेटवर्क का, ये एक्चुअली है सिर्फ इब्तिदा की बात नहीं, हर जी नेटवर्क का एक अपना तरीका होता है कि जब मेरे पास चुनौती आए, निर्णय लेने का मुद्दा आए, तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे, और कौन निर्णय लेगा, कैसे निर्णय लेने की प्रक्रिया बनेगी। तो ये सब चीजें हो रही हैं, और वो स्वाभाविक है, हर नेटवर्क की तरह इस नेटवर्क के भी अपने मुद्दे होंगे, मुझे लगता है। जी अगर हम आपसे बस आखिरी सवाल से समझ पाए, जब आपने इस संगठन की शुरुआत की थी संस्थाओं के साथ मिलके, क्यों जरूरत हुई कि संस्थाएं एकजुट हों, एकजुट होके एक मुद्दे पे काम करें, और अगर जब संस्थाएं एकजुट हुई हैं तो उसके किस तरह के नतीजे आपको देखने को मिल रहे हैं एक साथ काम करने के? देखिए, सबसे बड़ा जरूरत मुझे ये लगता है कि हमारा बहुत सारा, जब हम जेंडर के मुद्दे पे काम करते हैं तो हम बहुत सारे ढांचों को चुनौती देने का काम करते हैं, जो व्यक्तिगत ढांचे तौर पे जो ढांचे हैं, सामुदायिक तौर पे जो ढांचे हैं, जाति और यौनिकता के मुद्दे को लेकर जो ढांचे हैं, पर जब भी उनको हम चुनौती देने की बात करते हैं तो ये बहुत मुश्किल है किसी एक संस्था के लिए कि वो चुनौती दे। बट देन उसका बड़े स्तर पर और लोगों के साथ जुड़ाव कैसे हो, कैसे फैले वो मुद्दा अलग अलग क्षेत्रों में, इसके लिए जरूरी है कि सारी संस्थाएं जुड़कर एक जगह आए। तो अगर एक नेटवर्क के रूप में संस्थाएं जुड़कर सामने आती हैं तो मुद्दे को मजबूती मिलती है, और मुद्दे को सामने रखने के लिए भी आपके पास इनफ एविडेंसेस मिलते हैं, क्योंकि हम सब अपने अपने क्षेत्र के काम का अनुभव लेकर आते हैं। तो ऐसा नहीं सुनने को मिलता कि बस ये आपकी जगह की बात है, या आपने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है पर ये तो सब जगह मौजूद नहीं है। चलिए, ऐसे ही कई कारणों से नेटवर्क के रूप में काम करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, और फिर आंदोलन के जरिए या सब एक नेटवर्क संस्था एक मुद्दों को रखने की जो क्षमता रखती है, मजबूती मिलती है उससे कि अनेक लोग जुड़े हैं, अनेक तरह के एक्सपीरियंसेस लाए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आकर आए हैं, तो एक तरह का वो एक ठोस एविडेंस क्रिएट होता है उस तरह की बात को रखने के लिए और परिवर्तन के लिए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपने अनुभव साझा करने के लिए। मुझे लगता है कि जो भी साथी अभी सुन रहे हैं वो भी समझ पाए होंगे कि संगठित होकर, एकजुट होकर जब हम किसी मुद्दे पे काम करते हैं तो उसका किस तरह से असर दिखता है, और कितना जरूरी है संगठन बनाना, एकजुट होना, और एक सोच के लोग जब एक साथ आते हैं तो किस तरह से समावेशी रूप से काम करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे से बात करने के लिए। बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम चुनौतियों की भी बात करें, जो आपके सवालों से मुझे लगा कि हम लोग बात कर पाए। थैंक यू। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी आप सबने शालिनी जी को सुना। आप शालिनी जी को सुनते हुए इब्तिदा की जर्नी को और बेहतर समझ पाए होंगे। आपने ये भी जाना कि जब एक सोच के साथी एक साथ जुड़कर संगठन में काम करते हैं तो किस तरह का समाज में बदलाव दिखता है। अभी हमारे साथी नीतू आपको बिहार के पटना शहर में अख्तरी और रजनी से मिलवाएंगी, जो विगत कई वर्षों से समावेशी नारीवादी विचारधारा के साथ काम कर रही हैं और इब्तिदा की यात्रा के सारथी रही हैं। तो आइए सुनते हैं अख्तरी और रजनी जी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी में। साथियों, आप सबको पता है कि स्टेट्स ऑफ रूरल इंडिया और क्रिया के साझा प्रयास से हमने हिंदी की एक विशेष पॉडकास्ट सीरीज की शुरुआत की है, जिसका नाम है जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी। इस सीरीज की कहानियों को कवर करने के लिए, इस सीरीज में उन जरूरी मुद्दों को कवर करने के लिए हम यूपी, बिहार और झारखंड की यात्रा पर हैं। तो अभी हम बिहार के पटना शहर में आए हैं और हमारे साथ यहाँ की
दो साथी हैं रजनी जी और अख्तरी जी, इन दोनों साथियों का नारीवादी नजरिए से पिछले कई वर्षों से लंबा अनुभव है काम का। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में, और मैं चाहूंगी कि हम आपसे जानना चाहते हैं आज की बातचीत में, आज के एपिसोड में, कि जो ये इब्तिदा शब्द है इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले तो नीतू जी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमें इस चर्चा में शामिल करने के लिए, और हम शायद बिहार की आवाज आपके साथ साझा कर रहे हैं। और हम जिस तरह से इब्तिदा जो नेटवर्क है उस नेटवर्क के माध्यम से हम बिहार में और समाज में समावेशी नारीवादी नजरिया के साथ काम कर रहे हैं, और जिस नेटवर्क से हम जुड़े हैं जिसका नाम है इब्तिदा, इस इब्तिदा का मतलब साथी होता है। और हम सभी ऐसा मानते हैं कि हम जितने लोग इस इब्तिदा के साथ जुड़े हैं वो सभी हम मिलकर साथी हैं। रजनी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे। थैंक यू, धन्यवाद आपका नीतू जी कि हमें भी अख्तरी जी के साथ इस चर्चा में शामिल किया। मैं आप दोनों साथियों से ही जानना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा बता पाए कि जो ये इब्तिदा का नेटवर्क है इसका इतिहास क्या है, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नेतृत्वकारी जो आंदोलन हो और वो जो नजरिया हो उसको लेके हम कैसे काम कर सके, और जो महिलाएं जो प्रमुख हैं अपने संस्थाओं में अपने संगठन में उनके साथ जुड़ के हम लोग ये काम करें, इसके लिए ये संगठन ये जो नेटवर्क है बनाया गया। और इसमें आप देखेंगे कि अभी बिहार यूपी झारखंड हम लोग जितने भी साथी हैं महिला साथी वो सब हम लोग अपने अपने जगहों से वहां पे हो रहे जो मतलब भेदभाव है जो हिंसा है जो आवाज चुप है उन सब की आवाज बनके उनके आवाज को बुलंद करने का काम हम लोग सब मिल रहे हैं। इतिहास की बात करें तो इस इब्तिदा नेटवर्क के पीछे का इतिहास है कि जो पिछले लगभग दो दशकों से अगर हम अपने अपने साथियों के साथ जो हम सभी साथियों को देख रहे हैं और उनके काम को देख रहे हैं, तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो साथी यहाँ इब्तिदा नेटवर्क के साथ एक साथ आए हैं ये लगभग सभी साथी दो दशक ढाई दशक तीन दशक, कुछ साथी ऐसे हैं जो चार दशकों से पांच दशकों से भी नारीवादी नजरिया से काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में अपनी जिंदगी में। अभी हम नारीवादी नजरिया से पहले काम कर रहे थे, लेकिन अब हम जो साथी जितने साथी इब्तिदा नेटवर्क के साथ है अब हम समावेशी नारीवादी नजरिया की बात करते हैं। अब ये समावेशी नारीवादी नजरिया क्या है, तो हम समावेशी नारीवादी नजरिया को इस नजरिए से देखते हैं कि हम समावेशी नारीवादी नजरिया के तहत हम सभी जेंडर की बात करें, महिला पुरुष और अन्य जेंडर, विकलांग जन, एकल जन जितने उनकी बात भी हम, अगर हम थोड़ा और समझ पाए कि क्या सिद्धांत हैं इस नेटवर्क के, क्या मूल्य हैं, किनको ध्यान में रखकर प्रमुखता से काम किया जाता है। कोई भी संगठन या नेटवर्क है तो उसका एक मूल्य होता है, उसका अपना एक सिद्धांत होता है। तो इब्तिदा नेटवर्क जो है उसका एक मजबूत मूल्य है कि हम नारीवादी नजरिया के साथ काम करें, और उसमें अब हम समावेशी विचारधारा को उसमें इंक्लूड करते हुए अब हम काम कर रहे हैं। और एक और बात कहें तो हम बहनापा की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, हम जो सांप्रदायिक सौहार्दता की बात करते हैं, और इसीलिए कह रहे कि हम समावेशी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हम इब्तिदा के साथ काम करें, और इब्तिदा का शायद ये मुख्य मूल्यों में से। आपको क्यों लगता है कि ये नेटवर्क एक नारीवादी नेटवर्क है? इब्तिदा नेटवर्क हमें स्पेस देता है, हमें अवसर देता है, हमें एक विचारधारा देता है, हमें एक मार्गदर्शन देता है, तो हमें लगता है कि इस वजह से, और एक जो नारीवादी नजरिया समावेशी नारीवादी नजरिया का जो विचारधारा है उस वो जो है वो सभी अलग इस नेटवर्क को एक अलग बनाता है, यूनिक बनाता है, तो इसलिए हमारा ये इब्तिदा नेटवर्क बहुत खास है। अख्तरी जी, आप अपनी बातचीत में लगातार समावेशी शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं कि हम समावेशी नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो अगर आप इस समावेशी शब्द को थोड़ा सा खोल पाए। समावेशी विचारधारा की बात हम कर रहे हैं कि समावेशी नजरिया से हम समझ रहे हैं उसमें हर तरह
के जेंडर के लोगों की बात, सिर्फ महिला और पुरुष की बात नहीं, बल्कि समाज में जो अन्य जेंडर के जो लोग हैं, जिनको ना समाज में उसको अंकित किया जाता है, ना सरकार में अंकित किया जाता है, सरकार में उसको थर्ड जेंडर कहा जाता है और समाज में तो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है। तो इसलिए हमें लगता है कि हम इस इब्तिदा नेटवर्क के माध्यम से हम सभी जेंडर की बात करते हैं, जिसमें महिला पुरुष और अन्य जेंडर शामिल है, इसलिए हम इसमें समाहित करने वाली बात है, इसलिए हम इसे समावेश नजरिया से नारीवाद की बात करते हैं। जी, कहने के लिए अगर जेंडर की बात करें तो लोग महिला और पुरुष करते हैं, पर आपको इस नेटवर्क में जेंडर मतलब सारे लोग आपको वो दिखेगा और उनकी बात दिखेगी, उनका अधिकार दिखेगा, उनके बारे में हमको उनके साथ क्या काम करना है वो सारा चीज दिखेगा। तो हमको लगता है कि सिर्फ ये कहना कि हम नारीवादी हैं, हम नारीवादी सोच के साथ काम करते हैं, वो नहीं, वो ये जो नेटवर्क है ना, वो नेटवर्क पूरा, आप जब इस नेटवर्क के साथ मिलेंगी और देखेंगी तो आपको इसमें हर कोई एक सदस्य आपको इसी सोच के साथ लगभग इसके आसपास ही आपको मिलेगा। तो इसलिए हमको लगता है कि एक नारीवादी नेटवर्क है ये। तो अगर हम समझ पाएं कि इब्तिदा नेटवर्क आने वाले दिनों में, आने वाले समय में नारीवादी विचारधारा को आगे ले जाने के लिए क्या पहल करने वाला है, क्या प्रयास करने वाला है? क्योंकि जब हम समाज में समानता लाने की बात करते हैं, जब हम एक नारीवादी नजरिया को स्थापित करने की बात करते हैं, जब हम जेंडर आधारित हिंसा को खत्म करने की बात करते हैं, तो शायद ये हमारा ये इब्तिदा नेटवर्क का एक कम समय का नहीं लेकिन दीर्घकालिक प्लान है कि हम इस नारीवादी नजरिया को, समावेशी विचारधारा को हम समाज में हर स्तर पर स्थापित करें, चाहे वो समुदाय हो, कम्युनिटी हो, पंचायत हो, या जो स्टेक होल्डर्स है, जो सरकार के लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, ये सरकार के लोग, प्रशासन के लोग, समाज के लोग, इन सभी को एक साथ एक कड़ी में उन तक इस विचारधारा को हमें लेके जाना है, स्थापित करना है। इसके लिए हमें, हम जो है कि युवाओं का लीडरशिप को आगे लाना हमारा एक लक्ष्य है। तो हमारा ये प्लानिंग है कि हम आने वाले सालों में युवाओं को लेके, महिलाओं को लेके, और जो हमने कहा सरकार, समाज और समुदाय को एक कड़ी में लाके और इस विचारधारा के साथ उनको हम जोड़ने वाले हैं। और इसमें और एक कड़ी हम आपको जोड़ना चाहते हैं कि जो हम अभी इब्तिदा का नेटवर्क का जो विचारधारा है, जो मूल्य है, इन विचारधारा और मूल्यों के साथ अन्य संगठन, अन्य नेटवर्क जो स्थानीय स्तर के हैं, जो राज्य स्तर के हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, तो शायद हम उनके साथ भी कैसे हम मिल के उनके साथ कोलैबोरेशन करें, ये भी हमारे प्रयास है। कि चूंकि हम जो विचारधारा को समाज में स्थापित करना चाहते हैं, वो शायद उसमें बहुत तरह के लोगों के साथ जुड़ने और बातचीत करने, लगातार ये प्लानिंग के साथ काम करने की जरूरत है। और नारीवादियों को हमेशा से समाज में एक अलग नजरिए से देखा जाता है, तो क्या नेटवर्क के सदस्यों को किसी तरह की कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? अगर आप में से दोनों साथी में से कोई भी बता सके। बिल्कुल नीतू जी, आपने सही सवाल किया है कि जब हम नारीवादी नजरिए की बात करते हैं और हम नारीवादी विचारधारा को समाज में स्थापित करने की बात करते हैं, बहुत बार हमें अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो खास करके पैट्रियार्कल सिस्टम है, जो पितृवादी सत्तात्मक सोच है, और उस सोच के लोगों के द्वारा हमें कहा जाता है ये घोर नारीवाद है, ये कट्टर नारीवाद है, तो ये जो है इनके साथ बातचीत नहीं करना चाहिए, या इनको किसी बातचीत करने के लिए कहीं पे शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग मतलब समाज में इतनी कट्टर नारीवाद की बात करते हैं। जो बनाई गई व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुकूल बात करनी चाहिए, और हम जो है, जो बनाई गई व्यवस्था है उसी के अनुकूल हम बात न करके हम उसको तोड़ने की बात, तो हम कहीं ना कहीं हमेशा हम लोग जो है वो इस तरह के चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात है कि ये अगर मेरा नजरिया, मेरा सोच नारीवादी है, तो सबसे पहले तो चुनौती का सामना घर से होता है। और अगर हम लोग घर से ही, बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं, मेरा मतलब व्यक्तिगत अनुभव भी है कि अगर उस सोच के साथ हम कोई बात रखते हैं या हम कुछ कहना चाहते हैं तो उसके खिलाफ सारे लोग खड़े हो जाएंगे। और सिर्फ यही कहा जाता है कि सिर्फ एक तुम बाहर से हो, मतलब तुम इस तरह से सोच रही हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे लोग ऐसे
सोचने लगे। तुम्हारा तो सोच ही अलग है, तुम्हारा नजरिया ही अलग है। और ये तो बात रही घर की, और घर से निकल के अगर हम अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो वहां भी ऐसा नहीं है। नारीवादी नजरिया, नारीवादी सोच और हमारे साथ जुड़े हुए लोग भी हैं जो इस मुद्दे पे काम करते हैं, वहां भी जो कहने के लिए है ना कि हम काफी दिनों से काम कर रहे हैं, हम काफी समय से इस मुद्दे पे हैं, पर उस समय भी एक महिला नारीवादी सोच के साथ काम कर रही है या उसका समझ है वैसा, तो वहां पे भी चुनौतियों का काफी सामना करना पड़ा है। और ये सब ऐसे नहीं, ये सब व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे ही कह रहे हैं। अगर हम आपसे जान पाए कि क्यों जरूरी है नारीवादी आंदोलन का निर्माण करना, आप ये सोचिए कि सदियों से जो चीज चला आ रहा है ना, उसको कहां हम कैसे ब्रेक लगाएंगे। अगर हमारा सोच ऐसा नहीं रहेगा तब तो वही चलता आएगा, है ना। कि अगर आप शादीशुदा है उदाहरण के लिए तो आपको सिंदूर लगाना ही लगाना है, आप अगर कोई पूजा पाठ में हैं तो आप अगर एकल नारी हैं तो आपको उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, अगर आप एक महिला है और अपने घर का पूरा दायित्व उठा रही हैं तो वो कहां तक सही है कहां तक गलत है। तो मतलब जो परंपरा चला आ रहा है क्या हम उसी परंपरा को चलाना चाहते हैं, या वहां पे कहीं भी हम आवाज उठाना चाहते हैं या उसको ब्रेक लगाना चाहते हैं। तो अगर हम सब वहां हर उन जगहों पे आवाज नहीं उठाएंगे, हम वो उस सोच के साथ अपनी बात को नहीं रखेंगे, तब तो फिर वही है कि हम जैसा चल रहा है जिस ढांचे में हम है वैसे ही बने रहेंगे। कहीं ना कहीं जो पितृसत्तात्मक सोच है वहां पे सत्ता पावर पोजीशन ये जो है ये कहीं ना कहीं हिलता हुआ दिखता है। जब महिला आंदोलन के माध्यम से महिलाएं आगे आती हैं, महिलाएं अपने अधिकार की बात करती है, और जब हम किसी भी तरह की महिलाओं के प्रति या लड़कियों के प्रति किशोरियों के प्रति हिंसाएं होती है और उसकी आवाज उठना शुरू होती है, घर में टोकना शुरू होता है, लड़कियां घर में आवाज उठाना शुरू करती है कि नहीं मैं 12 कर चुकी हूं, अब मैं बीए का एडमिशन मुझे कराना है, घर में बात होती है कि आपकी शादी की तैयारी हो रही है और वहां पे वो आवाज उठाती है कि मुझे आगे की पढ़ाई करना है, मुझे अपने पैर पे खड़ा होना है। तो कहीं ना कहीं जो घर के अंदर हो, और अगर दूसरी बात और मैं जोड़ना चाहूंगी कि वहीं पे अभी पंचायतों में जो महिला जनप्रतिनिधि हैं वो अब बहुत तरह के शिक्षण प्रशिक्षण से जागरूक हो रही हैं, जानकार हो रही हैं, तो अब वो अपने पावर को समझ रही है, संवैधानिक अधिकार को समझने लगी है, और अब वो खड़ी होकर अपने दरवाजे पर झंडोत्तोलन करती है, खड़ी होकर अपने दरवाजे पर वार्ड सभा करती है, अब ग्राम सभा में भागीदारी करने के लिए मुखिया के साथ बात करती है। तो कहीं ना कहीं जो पुरुषवादी सोच और विचारधारा है, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, तो वहां पर सत्ता और पावर है वो हिलता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए यहाँ पे नारीवादी आंदोलन का बहुत बड़ा रोल है और बहुत मुख्य भूमिका है। तो अभी जो नारीवादी आंदोलन के निर्माण की आपने जरूरी बातें बताई कि क्यों जरूरी है नारीवादी आंदोलन का निर्माण करना, और तो जो आप बात कर रही हैं अभी कैसे एक दिशा देने की जरूरत है, तो उसकी क्या कोई चुनौतियां हैं, क्या मुश्किलें हैं, क्या उस आंदोलन को एक दिशा मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, अगर थोड़ा सा बता पाए। जो नारीवादी विचारधारा के जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी में, अब कम्युनिटी की महिलाओं का लीडरशिप आगे ला रही हैं, और युवाओं की लीडरशिप जो युवा किशोरियां हैं उनकी लीडरशिप आगे ला रही हैं। तो अब कहीं ना कहीं समुदाय के स्तर पर भी अब जेंडर भेदभाव के खिलाफ, जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ, ये जो शिक्षा में ड्रॉप आउट होता है उसके खिलाफ, मतलब अपने अधिकारों के लिए महिलाएं भी और किशोरियां भी अब बात करने लगी हैं, आवाज उठाने लगी हैं। तो अब इस वक्त बहुत अच्छे रणनीति के साथ हमें महिला आंदोलन को दिशा देने की जरूरत है, ताकि जो निकली है वो और आगे आए।
तो जो हम लोग हम हैं, अख्तरी जी हैं, आप हैं, हम जैसी जितनी भी महिलाएं हैं वो निकल के यहाँ तक आए हैं, तो हमारा अपना भी बहुत सारा चुनौती है। तो उन चुनौतियों का अगर हम उनके सामने बार बार बताते रहते कि हमारे जीवन में क्या घटनाएं घटी हैं, तो उनसे उनको एक मजबूती मिलता है और एक हौसला मिलता है कि हम कैसे फिर इनके जैसा आगे बढ़ सकते। आपने बताया शुरुआत में ही कि इब्तिदा नेटवर्क की नींव 2019 में रखी गई, तो इस 6 साल के कुछ सुखद अनुभव अगर आप लोग साझा करना चाहें इस नेटवर्क के, कि 6 साल गठन होने के बाद इब्तिदा नेटवर्क की क्या कुछ अनुभव रहे जो आप साझा करना चाहें। जो हमें बहुत सारी चीज दूसरों को भी जानने का मौका मिला, एक दूसरे राज्यों के लोग कैसे काम कर रहे हैं इस मुद्दे पे वो समझने का मौका मिला। हमारी काफी अच्छी दोस्ती हुई है बहुत सारे लोगों से। अगर हम अख्तरी जी की बात करें तो बिहार में रहते हुए भी हम लोग कितने सालों से एक साथ हैं, मिलते हैं, पर ये इब्तिदा नेटवर्क का देन है कि हम लोग इतने आराम से इधर पिछले 6-7 साल में हम लोगों की दोस्ती और गहरी हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मुद्दों पे समझ हमारा काफी बना है और इब्तिदा नेटवर्क 2019 से लेके अब तक हमेशा हम लोगों को मुद्दों पे समझ को मजबूत करते रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। ये सुखद अनुभूति का पार्ट ये है कि हम कहीं ना कहीं पूरे देश के स्तर पर, अपने अपने राज्यों में तो जरूर, और देश के स्तर पर हम शायद एक यूनिक नेटवर्क की तरह हम इसको देख पा रहे हैं कि एक नारीवादी नजरिया, मतलब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं काम कर रहे हैं, व्यक्ति काम कर रहे हैं, पर एक यूनाइट होके, एक साथ होके, एकजुट आवाज की तरह, एकजुट नेतृत्व के साथ, सामूहिक लीडरशिप में एक साथ आना और आके और नारीवादी नजरिए की बात, महिला आंदोलन की बात, समावेशी विचारधारा की बात करना, शायद ये बहुत बड़ी सुखद अनुभूति है। आज तो बहुत शुक्रिया पुनः आप दोनों साथियों का, सच में मुझे मिलके आप दोनों साथियों से और ये एक बहुत महत्वपूर्ण जरूरी बात करके, एक जरूरी मुद्दे पे बात करके, इब्तिदा के बारे में हमने पिछले कुछ साल पहले सुना था सिर्फ कि इब्तिदा नेटवर्क है जो महिलाओं का एक संगठन है जिसमें महिलाएं काम करती हैं, क्या काम करती हैं, ये संगठन कैसे काम करता है मुझे नहीं आइडिया था, पर शुक्रिया क्रिया का कि उन्होंने हमें कनेक्ट कराया आप दोनों साथियों से और हम आपसे बात कर पाए। और सही में बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हम एक इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से एक संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग जो काम इब्तिदा के माध्यम से कर रहे हैं तो बाकी लोग भी जो इस हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो मैं उनसे एक आग्रह करूंगी कि आप भी हमारे साथ जुड़े और अधिक से अधिक क्या हमारी बढ़े, हमारी साथियों का कारमा बढ़े। क्या बात है, सो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अख्तरी और रजनी जी के कितने उत्साह और आत्मविश्वास के साथ इब्तिदा की यात्रा को साझा किया, आप समझ पाए कि इब्तिदा संगठन की नींव किन मूल्यों और सिद्धांतों पर रखी गई है, संगठन से जुड़कर कैसे ये लीडर महिलाएं अलग अलग इलाके में भेदभाव पूर्ण हिंसा का बुलंद आवाज में विरोध कर रही हैं, जो महिलाएं बीते 2-3-4 दशकों से अकेले काम कर रही थीं, आज वो इस संगठन से जुड़कर साझेदारी के साथ समावेशी नारीवादी विचारधारा को स्थापित कर रही है। तो साथियों, इसी के साथ अब वक्त हो चुका है आप सबसे इजाजत लेने का, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल और सुझाव है, आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे ईमेल आईडी shadesofruralindia@gmail.com पर लिखकर जरूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए कीमती है। अगले सप्ताह आप 13वें एपिसोड में जानेंगे कि इब्तिदा की यात्रा में सेकेंड लाइन लीडरशिप क्या है, सेकेंड लाइन लीडरशिप में जो साथी जुड़े हैं वो अपनी यात्रा आपके साथ साझा करेंगे। आप ये भी जानेंगे कि किसी भी संगठन के लिए सेकेंड लाइन लीडरशिप क्यों जरूरी है। तो साथियों, इस महत्वपूर्ण एपिसोड को आप सुनना ना भूलिएगा, हमारी पॉडकास्ट सीरीज जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी के 12वें एपिसोड में। तब तक मुझे यानी अर्चना को दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी रखे अपना ख्याल, हम जल्द मिलेंगे। चल सखी अब अपनी सबकी बात कर बई हो, चल सब साथ चल बई हो, ये अब हाथ चल बई हो।